तो हमारे यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स, कॉलेजों के स्टूडेंट्स, वो जब हमारे हलके में आते थे तो वो क्या करते थे, कहते जी जी देखिए हमें यहाँ सबसे ज़्यादा जो चीज़ तंग कर रही है वो है मुसलमानों में फिरका बंदी, मुसलमानों में फिरका बंदी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बात मुझे भी समझाएं कि क्या नहीं होनी चाहिए कि मुसलमानों में फिरका बंदी। वो कहने लगे कि जी बाद लोग यहाँ बड़ा ठोक बजा कर कहते हैं जी मैं देवबंदी हूँ, बात कहते हैं मैं बरेलवी हूँ। तो हम जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटियों के पढ़े लिखे, हमें बड़ी आर आती है और शर्म आती है कि हम इस इन नामों से हों। मैंने कहा आई एम विद यू ऑन दिस इशू, मेरा भी यही ख्याल जो तुम कहते हो मैं ठीक है। हम इन बातों में इख्तलाफात को फैलाने के रवादार नहीं, इन उमूर में मुसलमानों के अंदर जो इख्तलाफात हैं मैं ये नहीं कह रहा, मैं इनको करने, लेकिन तुम अपनी पहचान क्या बताओ, तुम कौन हो? अगर तुम अभी रोकर के हम मुसलमान हैं तो कादियानी में यहाँ कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, और जो मुनकरीन हदीस हैं जिनको हम आम लोग परवेजी कहते हैं वो भी कहते हैं मुसलमान हैं, तो वो ग्राउंड कौन सी है दैट यू आर टू बी रिकग्नाइज एज मुस्लिम, तो कि तुम्हें को मुसलमान समझा जा सके। तो जिस मुल्क में कादियानी भी कहता है मैं मुसलमान हूँ और इनकार हदीस करने वाले भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो तुम भी कहते हो मुसलमान हैं, तो तुमने अपनी शनाख्त तो खो दी, और तुम इन मुल्कों में अपनी शनाख्त खोने के लिए आए थे। कहने लगे जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हमें शर्म बड़ी आती है कि हम फिरका वाराना तौर पर इम्तियाज करें अपना। मैंने कहा बड़ी मुबारक बात है अगर तुम्हें शर्म आती है कि फिरका वाराना इम्तियाज से हम पढ़े ना बचो, ये ठीक है, ये तुम्हारा आउटलुक ये ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिए कि जब आपने अपने आप को मुमताज़ करना है उन अकीदों पर जिन पर निजात होगी, तो ये जवाब देना कि तुम मुसलमान किस किस्म के हो, हु आर यू, तो आपका जवाब यही होना चाहिए हम सहाबा की लाइन के मुसलमान हैं, उनके लाइन पर। अब किसी को तो बड़ा मानो, सिर्फ कुरान के नाम पर, कुरान के नाम पर और हदीस के नाम पर तो आपको मुकाबला दे सकता है कादियानी भी, मुकाबला दे सकता है मुनकर हदीस भी, लेकिन जब आप कहेंगे हम सहाबा की लाइन के हैं तो आपका इस्लाम मुअय्यन हो चुका। और मैं आप सब के लिए दरख्वास्त कर दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको सहाबा की लाइन पर रखे, तुम सहाबा की लाइन के मुसलमान हो। तो मैंने उन स्टूडेंट्स को कहा कि जब तुम्हें पूछा जाए तुम कौन हो, वेन यू क्लेम दैट यू आर मुस्लिम हु यू आर प्लीज एक्सप्लेन दिस, तो आप खुशी से दिल की खुशी पूरे ब्रॉड माइंडेड होकर आप कहें हम सहाबा की लाइन के हैं, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट। क्या इसमें तुम्हें शर्म आएगी, उनको पूछा क्या तुम्हें शर्म आएगी, कहते थे नहीं हमें फिरका वाराना नाम से कि हम देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शाफी हैं, मालकी हैं, क्या हैं, इसमें तो शर्म आती है, लेकिन ये कहते हुए हम सहाबा की लाइन के हमें शर्म नहीं आती। तो मैंने कहा फिर इस मुल्क में अपने ईमान के गिर्द, ईमान के सरदों पर पहरा देने के लिए अपने आप को डट कर कहो कि हम सहाबा की लाइन के हैं। अरे नहीं, इतना भी इख्तराब ठीक नहीं भाई, इसी इख्तराब पर तो हम कायम हैं, हम सहाबा की जमात के हैं, जो सहाबा की जमात के हाथ खड़ा कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी पैरवी में रखे, उन्हीं की पैरवी में अल्लाह ताला जिंदगी दे और उन्हीं की लाइन पर आगे चलने की तौफीक अता फरमाए। आप सहाबा की लाइन के हैं या नहीं, हम सहाबा की लाइन के और सहाबा की एक तारीख पूरी हमें मालूम होनी चाहिए।